हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड एनसी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन अप्रूव हो चुका है टीना सर्टिफिकेशन के ऊपर चाइना के अंदर, जिससे ये कंफर्म होता है कि ओप्पो रेनो 6 सीरीज जो है वो जल्द ही चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, एक जाने माने टिप्स्टर हैं डिजिटल चैट स्टेशन, उनके थ्रू ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस के स्पेसिफिकेशन के बारे में पता चला है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसका क्या प्राइस होगा और ये जो ओप्पो रेनो 6 सीरीज है वो चाइना के अंदर कब लॉन्च होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस के डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में आपको 6.55 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड दोनों ही साइड से जो डिस्प्ले है वो थोड़ा कर्व देखने को मिल जाएगा। फोन के टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको पंच और नॉज दिया गया है, जहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा का सेटअप होगा। साथ ही यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलेगा एंड जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इन डिस्प्ले में ही देखने को मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो रियर साइड से आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा। जो कैमरा सेंसर है वो काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो इमेज कैप्चर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप है तो मेन जो कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको वाइड एंगल लेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल कैमरा में। साथ ही 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट की तरफ से इस स्मार्टफोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन का 870 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा विद ऑक्टा कोर 3.2 GHz के प्रोसेसर के साथ, और जो GPU वो आपको एड्रेनो का 650 का देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉयड 11 जो वॉट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा विद कलर OS के साथ। रैम एंड रोम वेंट की बात करें तो ओप्पो रेनो 6 प्रो प्लस में आपको दो डिफरेंट रैम वेंट देखने को मिल जाएगा, 8GB रैम एंड 12GB तक का रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको 128GB एंड 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4500mAh का बैटरी देखने को मिलेगा एंड साथ ही यहाँ पे आपको 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट टाइम ओप्पो रेनो 5 प्रो में भी देखने को मिला था। अब बात करते हैं इसके स्टार्टिंग वेरिएंट के प्राइस के बारे में। दोस्तों, तो 8GB रैम एंड 128GB वाला जो इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट है इसका प्राइस आपको 47,999 पड़ेगा। लॉन्च डेट की बात करें तो ओप्पो की तरफ से ये ऑफिशियली कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों, बट कुछ लीक के हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि ओप्पो रेनो 6 सीरीज जो है ये 22 मई को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, अब देखते हैं कि चाइना मार्केट में कब तक ओप्पो रेनो 6 सीरीज जो है वो लॉन्च होता है। जैसे इसके लॉन्च डेट कन्फर्म होंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा एंड और कुछ मुझे पता चलता है ओप्पो रेनो 6 सीरीज के रिगार्डिंग तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ उस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।